हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम लिया था बीए बीएससी बीकॉम के लिए, तो आज उसका रिजल्ट अनाउंस्ड हो गया है बीए और पीएससी के लिए। वो कानपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट में आपको मिल जाएगा उसका। मैं इस पर बताऊँगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या मांगेगा वहाँ पर आपको डाउनलोड करने से पहले। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। आपकी जो वीडियोस की रिक्वेस्ट रहती है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है मेरा चैनल, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम लिया था कुछ महीने पहले, तो उसका रिजल्ट आज आ गया है। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ नीक में मैंने ऑफिशियल साइट दी है, आप उस पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ स्टेप्स कि आपको कैसे करना होगा डाउनलोड। तो सबसे पहले आपको जो लिंक में मैंने दी है साइट्स, आप उसका ऑफिशियल साइट से भी जाकर कर सकते हैं, पर मैंने लिंक उसके नीचे दे दी है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी ऑर्ग में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि ऑफिशियल साइट पर आप जाइए, क्लिक ऑन CSJMU रिजल्ट 2019 का जो सेक्शन वहाँ पर बना है उस पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी रेगुलर प्राइवेट एग्जामिनेशन रिजल्ट 2018-19 का ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना कोर्स नेम वहाँ पर डालना होगा, फिर न्यू विंडो इंटर होगा तो उसमें आपको रोल नंबर और सेमेस्टर डालना होगा, और सबमिट करना होगा अपना डिटेल्स। उसके बाद आपको 2019 का बीएससी और बीए का रिजल्ट IPR होगा स्क्रीन में, फिर आपको नीचे से वहाँ प्रिंट का करने का ऑप्शन होगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इतना ही, आपको 8 स्टेप में आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका रिजल्ट। आप उसको चेक कर लीजिए जितने जल्दी हो सकते हैं उतने। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके दोस्त भी एग्ज़ाम दिए तो उनको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।